यूँ तो क्रिकेट इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन इन इतिहास में एक हार ऐसा भी है जिसके बाद सारी दुनिया रो पड़ी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1999 के विश्व कप के सेमीफाइनल में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ था, लेकिन अंतिम क्षणों पे यहाँ पे साउथ अफ्रीका मैच हार गई, जिसके बाद सारा विश्व ही रोने लगा था। और दूसरे दिन की अखबार में यह आया था कि इस हार के बाद आसमान भी रो पड़ा। अगर आप 80s 90s के हैं तो आपको यह विश्व कप का सेमीफाइनल बहुत अच्छी तरह से याद होगा। यह मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। यह मैच अब तक के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच में भी हमें यहाँ पर शामिल होते हुए देखने को मिला है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबला के बाद को छोड़ दिया जाए तो ये मैच में बहुत ही ज़्यादा व्यूअरशिप देखने को मिला था। इस मैच का महत्व कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो साउथ अफ्रीका का 1992 का वर्ल्ड कप के बाद ये टीम आई थी, उसके बाद वो यहाँ पे 99 में सेमीफाइनल पहुँची थी, और सेमीफाइनल में उन्होंने अंतिम क्षणों में बहुत ही क्लोज मैच हारा था। यह हार कई मायनों में साउथ अफ्रीका के जख्म को हमेशा ताज़ा करते रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे पहली बारी में 213 रन बनाए थे, जबकि ऑल आउट हो गई थी 49.2 बॉल पे, और साउथ अफ्रीका ने भी 213 रन बनाया 10 विकेट के नुकसान पे 49 ओवर 4 बॉल पे। अब यहाँ पे जो फैसला लिया गया, उस समय यहाँ तो सुपर ओवर होता नहीं था, तो यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया पूरा 50 ओवर खेल भी लेती और 213 रन भी ही रहती है, उसके 9 विकेट भी गिरे रहते, तो भी साउथ अफ्रीका यह मैच जीत जाती। लेकिन एलन डोनाल्ड का वो आखिरी रन आउट, उनका वह कॉल आज तक साउथ अफ्रीका के जख्म को हरा करता रहेगा। इस हार के बाद दूसरे दिन चाहे मीडिया हो चाहे खेल प्रेमी हो, सबके आंखों में आंसू आ गया था, क्योंकि यह मैच इतना ज़बरदस्त था और यहाँ पे सारे लोग साउथ अफ्रीका का ही सपोर्ट कर रहे थे। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी और उनके ओपनर बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे, मार्क वार्न, रिकी पॉन्टिंग, डेमन लेमन और गिलक्रिस्ट 68/4 हो गया था। उसके बाद यहाँ का एक वाक्य और ही फेमस है जो आज तक लोगों के जहन में ताज़ा है। जरा सर वाक्य यहाँ पर यह है कि जब उनके कप्तान, ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव वॉ जब बैटिंग कर रहे थे, वो सिंगल आंकड़ा में ही खेल रहे थे, उस बीच यहाँ पे हर्सल गिब्स के हाथों में कैच दे दिए, लेकिन वो हाथ में कैच पकड़ने के पहले ही जश्न बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद एम्पायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया। मतलब वो बॉल को पकड़े भी नहीं थे और उससे पहले उछाल दिया था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए, उन्होंने स्टीव वॉ ने 56 रन की एक बहुत ही क्रूशल पारी खेली, माइकल बेवन ने यहाँ पे 65 रन का योगदान दिया था। जैसे तैसे यहाँ पे फर्स्ट पारी पे ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन बना के ऑल आउट हो गए, जिसके बाद एलन डोनाल्ड ने इस पारी पे 4 विकेट लिया था। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो उनका शानदार शुरुआत था, 48 रन तक कोई भी विकेट नहीं गिरा था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही महान स्पिनर, ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर, अब तो वह दुनिया में नहीं है, उस समय के महानतम स्पिनरों में से एक शेन वॉर्न ने इस मैच में पूरा ही पासा पलट दिया। उन्होंने इस मैच में कुल 4 विकेट लिए। लेकिन मैच का रोमांच यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था, मैच का रोमांच तो अभी आखिरी में आना बचा हुआ था, जो इस मैच को बहुत ही रोमांचक तरीके से ये मैच आगे बढ़ा था। उस जमाने के ढाकर ऑलराउंडर लॉन्स क्लूजन का नाम आपने तो सुना ही होगा। लॉन्स क्लूजन उस समय का बहुत ही बड़ा नाम हुआ करता था। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया था सेकंड पारी में, तो उनका भी स्थिति डामाडोल हो चुका था। आखिरी ओवर पे जीत के लिए 9 रन चाहिए था और स्ट्राइक पे लॉन्स क्लूजनर था, और बॉलिंग उस समय के ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ड्रेविनियम फ्लेमिंग कर रहे थे। उन्होंने पहले 2 बॉल पे 2 चौका लगाया और स्कोर बराबर हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट चाहिए था जीतने के लिए और साउथ अफ्रीका को यहाँ पे जीतने के लिए 1 रन चाहिए था, और उसके 4 बॉल शेष थे। तीसरी बॉल उन्होंने बीट किया और चौथे बॉल पे भी उन्होंने बीट हुआ, लेकिन दूसरे छोर पे नॉन स्ट्राइक पे एलन डोनाल्ड खड़े थे और वो वहाँ पे दौड़ गए, और इस बीच वो वहाँ पे रन आउट हो चुके। और उसके बाद तो इतिहास उठा के देखेंगे तो यह हार अब तक की सबसे चुभने वाली हारों में से एक है। इस हार के तरह तरह के जख्म आपको हमेशा दिखाई देते रहेंगे साउथ अफ्रीका के चेहरे पे। अगर उस दिन एलन डोनाल्ड वहां पे रन नहीं दौड़ते और यह मैच ड्रॉ भी हो जाता और विकेट नहीं भी गिरता, तो उस दिन यहाँ पे सेमीफाइनल से फाइनल जाने में यहाँ पे साउथ अफ्रीका को समय नहीं लगता, क्योंकि उस समय का रूल, उस समय का नियम अलग हुआ करता था। अभी का नियम में क्या होता है कि अभी सुपर ओवर होता था, उस समय सुपर ओवर का कोई रूल नहीं था। अगर ऑस्ट्रेलिया 10 कब उनका ऑस्ट्रेलिया पूरे 10 विकेट गिर चुके थे और यहाँ पे इनका 9 ही विकेट रहता, अगर वो वहाँ पे उस दिन रन आउट नहीं होते तो आज यहाँ पे स्थिति कुछ और ही रहती।
खैर ये भी इतिहास के पन्नों पे हमेशा के लिए दर्ज हो गया है ये किस्सा, ये हम यहाँ क्रिकेट का। और उस हार के बाद सारा दुनिया ही यहाँ पे रो पड़ा था, क्योंकि वो सबसे बड़ी हारों में